मैं हूं गरिमा विक्रांत सिंह और आप देख रहे हैं टेली बाइट्स। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। बहुत रोमांचित हूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूं, क्योंकि एक बेहतरीन कहानी बेहतरीन किरदारों के साथ आप सबके सामने आएगी 27 तारीख को, और जिसे देखकर मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सब जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे। मैं इसमें निर्मल की बुआ का किरदार कर रही हूँ, जिसका नाम है गेंदा। गेंदा का किरदार जब मुझे सुनाया गया तो मैं सच बताऊँ, मैं खुद भी मैंने बहुत रिलेट किया, क्योंकि मेरे भी भतीजे हैं। और जिस तरह से इसे लिखा है राहुल ने, जो मेरे राइटर और डायरेक्टर हैं, उसको सुन के मैं 2-3 मिनट तक तो एकदम शांत हो गई कि ओ, इतनी सारी चीज़ें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिना कहे एक्सप्रेस करनी थी उस किरदार में, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही करीब है दिल के, मैं शायद वैसी ही बुआ हूँ जो ये लिखा हुआ है। तो मैंने झट से हाँ कर दी, और अभी तो बहुत कुछ बताना अच्छा नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि आप सब देखें और बताएं मुझे लिख के कह के कि कैसी है गेंदा बुआ। हम जब कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो पर्दे पे किस तरह से आएगा, लेकिन जब वो आया ना तो मुझे लगा है ये मैं कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा। और मैंने जब अपनी बेटी को दिखाया तो उसका सबसे पहला रिएक्शन था, वो बहुत ज़ोर से हंसी और कहती है मम्मा ये क्या है। मैंने कहा ये मैं हूँ। कह रही बहुत अच्छा है, वो तुम तो कॉमिक रोल में हो। मैंने कहा कि हाँ। देखिए मेमोरीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, उसमें एक को किसी को बोलना थोड़ा सा अजीब होगा। सबसे अच्छी बात है कि ये मेरी पहली वेब सीरीज़ थी, तो उस मायने में भी बहुत करीब रही दिल के। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी टीम में कोई भी नेगेटिव नहीं था, बहुत कोऑपरेटिव सब, चाहे एक्टर्स हों, चाहे हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, हमारे कैमरा पर्सन्स हो, इवन हमारे स्पॉट्स भी, वो सारे लोग इतने क्रिएटिव थे कि ये नहीं लगा कि हम घर से दूर हैं या हम शूट कर रहे हैं। और हर तरह की व्यवस्था, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू नरेन जी एंड बाकी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया हम लोगों को, वो बहुत ही कमाल का था। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मोमेंट ही बहुत अच्छा है, वो मोमेंट ही बहुत अच्छा है, पूरी सीरीज़ ही बहुत यादगार है, एक एक पल यादगार है सीरीज़ का। सबके साथ कमाल की बॉन्डिंग रही है, निर्मल के साथ तो बहुत ही कमाल की, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे ट्रीट करते हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं बुआ हूँ उनकी। और चाहे आतिश की बात करूँ, आतिश बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी उनको शुभकामनाएं। और नो डाउट अलका मैम का तो कोई मतलब कोई जवाब ही नहीं है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। वो जितनी धीर गंभीर और सधी हुई अभिनेत्री हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। मेरी एक और सीरीज़ जो है वो सोनी लिव के लिए ही आ रही है, डॉक्टर अरोरा, जिसमें आप मुझे देख पाएंगे। बाकी एक क्रैश भी आ रही है अमेज़न के लिए, बाकी अब देखते हैं, जो भी आएगा उसका स्वागत है। भाई हमारे निर्मल पाठक घर आवत बाना 27 तारीख के, देखी हा जा, सरही हा जा, हमनी के बतैया लिख के बोल के, जैसन बोले के बा बोली हा जा, बाकी देखी आ जा जरूर 27 तारीख के सोनी लिव पे निर्मल पाठक की घर वापसी।